चलो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि कैसे अपने फोन पे अकाउंट को मैनेज करना है, चाहे वो प्रोफाइल फोटोज हो, ईमेल एड्रेस हो या फिर यूपीआई आईडी हो, प्राइमरी अकाउंट हो, हर एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, फुल डिटेल दे रहा हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं अनिकेत झड़, आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। तो गाइस सिंपली मैं आपको साइड में स्क्रीन शो कर देता हूँ ताकि मैं आपको फुल डिटेल दे पाऊँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सिंपली आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाना है। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दो, अगर प्रोफाइल में आप आते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा तो गाइस प्लीज अपडेट कर लीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप अपडेट कर लोगे तो इसी तरीके आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड मिल जाता है, यूपीआई अकाउंट, जो भी अकाउंट आपने ऐड कर रखे होंगे यहाँ पे आपको शो कर दिया जाता है। साथ ही अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप इजिली ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके अनदर अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कैसे आपको प्राइमरी अकाउंट या फिर डिफॉल्ट अकाउंट कैसे आपको प्राइमरी सेटअप करना है, कौन से अकाउंट के थ्रू पेमेंट रिसीव करना है आपको, आप इजीली वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको प्राइमरी अकाउंट सेटअप करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फोन पे वॉलेट यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही अगर आपको इनेबल लॉक स्क्रीन करना है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे यूपीआई आईडी अगर आप इस पे टैप करते हो, जितने भी आपने यूपीआई आईडी क्रिएट कर रखे होंगे, इनेबल कर रखे होंगे, एक्टिवेट कर रखे होंगे, यहाँ पे आपको शो कर दिया जाता है। साथ ही अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सेटिंग आपको मिल जाती है, रिमाइंडर्स मिल जाती है। साथ ही अगर आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो आपको इस पे टैप कर देना है। तो गाइस टैप करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे दो तरीके का आप कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहले आपका साथ ही ईमेल एड्रेस। अगर आपको फोटो चेंज करना है तो यहाँ पे आपको कैमरा का एक साइन मिल रहा है, तो गाइस सिंपल उस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपको सिंपल पेंसिल पे साइन कर देना है। यहाँ पे आप गैलरी में से चूज कर सकते हो, फाइल मैनेजर में से, या फिर जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल उस पर क्लिक करके आप इजीली कोई सा भी फोटो चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल अगर आपको चेंज करना है, आपको नेम अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपली पेंसिल के निशान पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल नेम, अगर आपको नेम चेंज करना है तो सिंपली आपको इस पे टैप कर देना है। आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे मैं अनिकेत झा टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अनिकेत झा टाइप कर लिया। साथ ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस अगर आपको कंफर्म करना है, अगर आपको रीराइट करना है, अगर आपको दोबारा अपडेट करना है, दूसरा ईमेल एड्रेस लिंक करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है सेम इसी तरीके से जैसे मैंने करा है। और आपको करना है कि यहाँ पे अपडेट चेंज पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट हो चुका है, 110% हो चुका है। सो गाइस मैंने आपको फुल डिटेल दे दिया कि कैसे आपको अपने फोन पे वॉलेट को मैनेज करना है। आप इजीली चेंज कर सकते हो प्रोफाइल, चाहे वो नेम हो या फिर ईमेल एड्रेस अपडेट भी कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।